हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग सिंह है और दोस्तों मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ आज के करंट अफेयर यानी कि 7 अप्रैल के करंट अफेयर। भाई दोस्तों, हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग गाइस एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो ये मेरा कोड है NG10 और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन है गाइस वो परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इस समय देखो SSC की जो फी है वो कितनी 6500, बट ये पे नहीं करना है आपको। जस्ट यूज कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और फी हो जाएगी 5850। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अब गाइस हम लोग बात करें, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वो स्पोर्ट्स की कंपनी है जिसने IPL की एक टीम है या फिर आप बोल दो फ्रेंचाइजी जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसके साथ में गाइस आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप किया है। तो RCB की पार्टनरशिप हुई है गाइस जिस कंपनी के साथ में, उस कंपनी का नाम है प्यूमा और यहाँ पर जो प्यूमा है वो ऑफिशियल पार्टनर बना है दोस्तों। कौन सी टीम का? RCB का, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्यूमा है उससे जो इस टीम के कैप्टन है यानी कि विराट कोहली वो ऑलरेडी एसोसिएटेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग बात करें, वाइल्ड एंड विलफुल नाम की जो किताब है इसकी ऑथर या फिर इसके ऑथर कौन है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेहा सिन्हा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। गाइस हम लोग बात करें फर्स्ट श्रीलंकन कौन बने हैं, है ना, जिन्होंने गाइस हम लोग बात करें तो 6 सिक्सेस लगाए हैं। हालांकि इंटरनेशनल गेम में नहीं लगाए हैं, प्रोफेशनल गेम में ही लगाए हैं, बट फिर भी गाइस याद रखो ये फर्स्ट श्रीलंकन बने। इसके पहले किसी भी श्रीलंकन ने किसी भी फॉर्मेट में हम लोग बात करें तो 6 सिक्सेस नहीं लगाए थे। तो गाइस ये है थिसारा परेरा और ये श्रीलंका के ऑलराउंडर है। और इसी तरीके से हमने देखा था कि लास्ट मंथ में जो पोलार्ड है उन्होंने अगेन श्रीलंका 6 सिक्सेस लगाए थे। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। और ये दोस्तों थिसारा परेरा, तो इन्होंने अपने जो डोमेस्टिक आप बोल सकते हो गाइस जो इनकी टीम है श्रीलंकन आर्मी उसकी तरफ से खेलते हुए गाइस हम लोग बात करें तो इन्होंने 6 सिक्सेस लगाए थे। तो ये बात आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखो कि फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने 6 सिक्सेस मारे हैं श्रीलंका की तरफ से डोमेस्टिक में ही सही, उनका नाम है थिसारा परेरा। कुछ इस तरीके से दिखते हैं थिसारा परेरा। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी जानते हो जो स्वेज कैनल है ये हमको इजिप्ट में देखने को मिलती है और ये कनेक्ट करती है किसको? रेड सी को। और किससे कनेक्ट करती है अगर हम लोग इसको बात करें तो आप जानते हो मेडिटेरेनियन सी को। ठीक है ना, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। तो कौन सा वो कंटेनर शिप था गाइस जो यहाँ पर हम लोग बात करें तो लगभग 5 दिनों के लिए यहाँ पे फंस गया था? तो इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे देखिएगा एवर गिवन। ये देखिएगा ये इसकी पोजिशन है, ये फंस गया था दोस्तों अगर हम लोग बात करें 26 मार्च से। ठीक है ना, और कभी निकला तो हम लोग बात करें दोस्तों 29 मार्च को। ठीक है, तो ये है एवर गिवन, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि स्वेज कैनल से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं और स्वेज कैनल इजिप्ट में है और एक कब से ऑपरेशन में? 1869 से ऑपरेशन में। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ONGC जो है उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसे बनाया है? यस ऑन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सुभाष कुमार। बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मल्टीनेशनल मिलिट्री जो एक्सरसाइज है यस और नो, जिसका नाम क्या, अगर आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें शांतिर ओग्रा सेना, है ना, शांतिर ओग्रो सेना, ये गाइस जो है कौन से देश ने ऑर्गेनाइज की? तो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसके कई रीजन है, इस देश का अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंडिपेंडेंस डे है कौन सा, या फिर आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंस ईयर 1550 इनका, आप बोल सकते हो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971 को ये आजाद हुआ था, ये बात आप लोग जानते हो। और सवा आप लोग बात करें गाइस ईयर भी ये लोग मना रहे हैं किसका? मुजीबुर रहमान का। तो इसीलिए गाइस हम लोग बात करें काफी ज्यादा न्यूज में है बांग्लादेश, और इसमें बात करो दोस्तों तो बांग्लादेश हो गया है ना, बांग्लादेश जा रहा है, भूटान, बांग्लादेश तो जाएगा ही, खैर भूटान भी जाएगा। और याद रखना गाइस इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस है ना, जो माइंस होती है ना, माइंस अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ऑब्जर्व, खदान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली गाइस आप लोग जानते हो कि जो माइंस वगैरह होती है उसमें काम करना कितना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और जो लोग वहां पे वर्क करते हैं ना उनको कहने के लिए कि भाई आप लोग को इनकी हेल्प करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे इनकी भी जिंदगी थोड़ी सी बेटर हो सके, तो ये हर साल गाइस हम लोग बात करें 4 अप्रैल को देखने को मिलता है।
और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और इसकी थीम क्या है, तो थीम देख लीजिएगा, प्रिजर्वनेस पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, दृढ़ता भागीदारी और प्रगति, इस बार की इसकी थीम रखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। फर्स्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी इंडिया की कौन सी बनी है जिसने 1 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए हैं एक महीने में, और ये मंथ कौन सा था दोस्तों, मार्च, ठीक है ना, मार्च। तो जो मार्च का मंथ था उसमें इनके बारे में हम लोग गाइस बात करें, तो इन्होंने अगर आप ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो 1 अरब से भी ज्यादा लेन देन किए। यस सर, मतलब कि किसी ने भेजा, किसी ने रिसीव किया, ओवरऑल हम लोग बात कर 1 अरब, ये अब तक का सबसे ज्यादा है। और इस कंपनी का नाम दोस्तों क्या है, तो याद रखेंगे फोन पे। और अगर हम लोग गाइस बात करें तो फोन पे ने इस समय जो है मार्केट को लगभग कैप्चर कर रखा है, और इंडियन कंपनी है। और अगर गाइस हम लोग यहाँ पे बात करें, जो आपके समीर निगम है, जो यहाँ पे अगर गाइस हम लोग बात करें, जो समीर निगम है वो इसके फाउंडर और सीईओ है, ये भी बात आप लोग याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि सपोज करो गाइस एक दिन में 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन होता है, तो किसी भी एक यूपीआई ऐप से 30% से ज्यादा, यानी कि सपोज करो 100 रुपीज का हुआ तो 30 रुपीज से ज्यादा फोन पे भी नहीं करेगा, है ना। ये आरबीआई का हम लोग बात करें गाइस, तो एक नया रूल आया है ताकि मोनोपोली को रोकी जा सके, क्योंकि एक समय जो गूगल पे था, है ना, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था मार्केट को, तो अभी जो है वो फोन पे जो कि इंडियन है, तो आप याद रखो दोस्तों ये काफी आगे जा रहा है, तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रख लेंगे, काफी इजी भी है यूज करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो आयुष मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर कौन है, मिस्टर किरण रिजिजू, है ना, इसने कोलैबोरेशन किया किसके साथ में, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ में मिलकर के, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, इन्होंने आयुर्वेद पर्व मनाया, आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया, कौन से स्टेट में, तो दोस्तों उड़ीसा स्टेट में किया गया, और वहां की राजधानी जो है भुवनेश्वर, यहाँ पे किया गया। और आप सभी जानते हैं उड़ीसा यार कितना ज्यादा न्यूज में है, ठीक है ना, तो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है, आई कैचिंग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये 2 अप्रैल को आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा था, क्योंकि बेटा इसकी थीम मुझे आपको बताना रह गया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। और एक दिन में 10 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये हमारा मोटो होना चाहिए। इंक्लूजन इन दी वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है, तो बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो गाइस आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आप लोग बिल्कुल अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिएगा, जिसका गाइस हम लोग बात करें जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूज करेंगे यहाँ पे कोड ANG10। तो बिल्कुल गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर, और गाइस ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, और अब हम लोग मिलते हैं कब, नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।